दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोवेव ओवन के टच रिपेयरिंग के ऊपर आज हम बात करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम आपको बताएंगे टच पैनल को किस तरीके से आप घर बैठे खुद रिपेयर कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करे। चलते हैं वीडियो की जाने। तो दोस्तों ये आज हमारे पास जो माइक्रोवेव ओवन रिपेयर होने के लिए आया है इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये काफ़ी दफ़ा इसका टच रिपेयर हो चुका है, उसके बावजूद भी इसके अंदर बार बार फॉल्ट आ रहा है। इसके जो टचिंग है वो काम नहीं कर रही, कुछ अरसे तक काम करती है फिर उसके बाद मसला कर जाती है। तो कस्टमर ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद ये लेकर आया तो बोलता है यार इसके ऊपर कुछ सिंपल सा काम करें। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका टच पैनल है वो बहुत दफ़ा बन चुका है, बहुत दफ़ा इसको रिपेयर कर चुके हैं, उसके बावजूद इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ना कोई इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि टच पैनल पे बार बार मसला आ रहा है। तो इसमें जो जो भी फॉल्ट है उसके ऊपर मैं डिटेल से आपको वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसके फॉल्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो अब मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इसको बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको प्लग इन कर लेता हूँ और आपको चेक कराता हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इसको प्लग इन कर लिया, तो आप ये देख सकते हैं जो इसका टच पैनल है वो काम नहीं कर रहा। हम लोग कुछ भी काम करते हैं, कोई भी बटन दबाते हैं तो ये काम नहीं करता, क्योंकि इसके ऊपर पहले भी टच तैयार कर चुके हैं, इसके टच को एक बार पहले भी बनाया उसके बाद ख़राब हुआ, दो तीन दफ़ा बना चुके हैं लेकिन ये टच बार बार ख़राब हो जाता है। तो आज मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसके टच को रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सिर्फ इसके अंदर दो बटन ही इस्तेमाल करेंगे, एक स्टार्ट का और एक टाइम बढ़ाने वाला। तो हम लोग किस तरीके से इसकी सेटिंग करेंगे, किस तरीके से हम लोग इसके ऊपर फंक्शन लगाएंगे तो इस वीडियो में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। तो मैं जल्दी से इसके सर्किट को बाहर निकाल लेता हूँ और सर्किट के ऊपर हम लोग सिंपल काम करेंगे किस तरीके से हम लोग इसके ऊपर स्विचिंग करवाएंगे। तो मैं जल्दी से इसके सर्किट को बाहर निकाल लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा जो पैनल है वो आ चुका है, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर पहले भी स्विचिंग हुई हुई है। तो सिंपल हम लोग इसी के ऊपर दो फंक्शन ही करेंगे, आप देखेंगे तो किस तरीके से मैं इसके ऊपर फंक्शन लगाऊंगा, किस तरीके से हम लोग इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग खाली दो स्विच का इस्तेमाल करेंगे, एक ये स्विच और एक ये स्विच। अगर आप इन दोनों स्विच को चेंज कर लेंगे, नए स्विच लगाएंगे कुछ अरसे बाद वो दोबारा ख़राब हो जाएंगे। हमने सिंपल से बस इन दो फंक्शन को ऑन करेंगे। तो किस तरीके से हम लोग इस माइक्रोवेव ओवन को नीचे रख देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोग वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो सर्किट है वो बाहर आ चुका है, उसके बाद हम लोग जो इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं वो दो बेल बुश का इस्तेमाल करेंगे। तो हाँ दोस्तों इसके अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इन दो बेल बुश के ऊपर काम करेंगे। इन दो बेल बुश को हम लोग क्या करेंगे, एक अपने स्टार्टिंग के ऊपर इस्तेमाल करेंगे और एक हम लोग यहाँ पे अपने पास टाइम का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि टाइम को जो बढ़ाने वाला है उस हिस्से को हम लोग इस जगह पे कनेक्ट करेंगे इन दो बेल बुश के जरिए। तो दोस्तों अब इसको हम लोग किस तरीके से कनेक्ट करेंगे वो भी आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग ने इन दोनों स्विचेस को कनेक्ट करना है, किस तरीके से हम लोग इसको इसके ऊपर कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपने सर्किट को ओपन कर लेंगे, सर्किट को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ये देख लेना कि जो आपका जो स्टार्ट वाला स्विच है वो कौन सा है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग वाला स्विच है वो हमारे पास ये दो वायर हैं, तो हम लोग इन दोनों को यहाँ से रिमूव कर लेंगे और अपने बेल बुश के साथ कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ से हम लोगों ने ये देखना है कि जिससे हमारा टाइम बढ़ता है वो हमारा ये वाला स्विच है, जिससे हमारा टाइम बढ़ता है। तो हम लोग इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, एक दो वायरें निकालेंगे और यहाँ पे भी हम लोग एक बेल बुश लगा देंगे और चेक करेंगे कि किस तरीके से ये हमारा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो ये सर्किट है वायर आ चुका है, तो अब हम लोग सिंपल तरीके से क्या करेंगे, इन दो वायरों को यहाँ से ब्रेक कर लेंगे। ये जो हमारी जो स्विचिंग की स्टार्टिंग जो हमारा यहाँ पर पॉइंट है उन दोनों को करेंगे। अगर तो अगर आपके पास ऐसा पैनल है जिसमें अभी तक इस तरीके की स्विचिंग ना हुई हुई तो आप क्या करें, इसकी जो पैनल होता है उसके आप जब कवर खोलेंगे तो उसके अंदर आप ट्रेस कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो पैनल की जो स्विचिंग करने वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वो देखें, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपने ट्रेस करनी होती है लाइनों को।
तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो किस तरीके से हम लोगों ने इसकी स्विचिंग करनी होती है, तो यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से कर सकता हूँ कि किस तरीके से हम लोग ये बार बार स्विच चेंज नहीं करते, कस्टमर की रिक्वायर्ड के मुताबिक हम जो दो स्विच हैं वही चेंज करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दो वायरों को यहाँ से उतार लेते हैं और इसकी जगह पे हम लोग इन दो स्विच को हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, दो दो तारे, एक तार यहाँ पे और एक तार यहाँ पे, इन दोनों के साथ हम लोग दो दो तारे निकाल लेते हैं जल्दी से और फिर आपको चेक कराते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने ये दो वायरें निकाली है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपने दो वायरें निकाले नहीं, और हम लोगों ने इसके ऊपर से इंसुलेशन को रिमूव कर लिया है। तो इस तरीके से आपने इसकी स्विचिंग करानी है। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दो वायरों को यहाँ से ब्रेक करूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने इसके जो इंसुलेशन है, अपनी जो दो वायर स्विचिंग की है, हमने इसके ऊपर से इंसुलेशन को रिमूव कर लिया, और यहाँ से जो हमारा टाइम बढ़ाने वाला स्विच है उसके ऊपर से भी हमने यहाँ से इंसुलेशन को रिमूव कर लिया। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो स्विच है हमारा, जो जिससे हमारा टाइम इंक्रीज होता है, वो ये हमारा स्विच है। तो हमने इसके ऊपर से भी दोनों वायर को इंसुलेशन को रिमूव कर लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीके से, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनको यहाँ से कनेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे ये एक स्विच के जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए, ये हमारी जो दूसरी वायर है उसको भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कनेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों जिस स्विच से आपने रिमूव किए दोनों तारे, उनको आप जैसे मर्जी इसके ऊपर कनेक्ट करते हैं, ये काम करेगी। स्विचिंग में आप लेफ्ट राइट कर लें, तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया। अब उसकी जगह पे आप एक इसको कनेक्ट कर लो, तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, इस स्विच के ऊपर इधर कनेक्ट कर लें। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारे पास दोनों स्विच कंप्लीट हो गए, ये हमारा स्विच ऑन करने का है और ये हमारा टाइम इंक्रीज का है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इस पैनल को वोल्टेज देंगे। तो हमने इसको वोल्टेज किस तरह देना है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि लाइन और न्यूट्रल लिखा हुआ है। आपने इस जगह पे क्या करना है, अपना न्यूट्रल फेस देना है और तीसरे पॉइंट पे आपने कुछ भी नहीं देना अभी फिलहाल। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे सीरीज, और आपने इन दोनों वायरों को आपस में मिला देना। अगर ये आप नहीं मिलाएंगे तो आपका जो स्विच है वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग ने सीरीज वायर को यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैनल है वो ऑन हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है हमारा टाइम इंक्रीज का है, तो अगर मैं इसको दबाता हूँ तो ये देख सकते हैं कि कैसे काम कर रहा है, 15 सेकंड, 30 सेकंड, उस वक्त पे हमारा जो ये बटन था वो काम नहीं कर रहा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस बटन से क्या करेंगे, इसको ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम हमारा चलना शुरू हो गया, हमारी जो रिले है वो ऑपरेट हो गई है। कितने आसान तरीका है इसकी स्विचिंग करने का। तो अगर दोस्तों अगर आपके पास ये पैनल इस तरीके से पहले से नहीं बना हुआ, तो उसके ऊपर आपने क्या करना है कि आपने अपना ये पैनल खोलना है। तो आप जो इसका जो टच वाली साइड है इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसकी दो परतियों पे आपने खोलना है। तो अगर आपने मेरी वीडियो, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो को देख लेना कि किस तरीके से लाइन को हमने ट्रेस करना है। तो आप ज्यादा नहीं, तो आप सिर्फ दो लाइनों को ट्रेस कर लें, एक स्विच ऑन करने वाला और एक टाइम इंक्रीज का। तो सिंपल आपके उसके ऊपर भी ये आपका माइक्रोवेव ओवन काम करना शुरू हो जाता है। हमारे माइक्रोवेव ओवन में सिर्फ सिंपल मैग्नेटोन को ऑन करना ही होता है। तो इससे आप जितना मर्जी आप टाइम बढ़ा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, मैं इससे 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 15 सेकंड, आप इससे टाइम बढ़ा सकते हैं। तो आप इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं इसी तरीके से। अब मैं इससे क्या करूंगा, इससे ऑन कर दूंगा। तो यहाँ पे ये हमारा ऑन हो जाता है। तो इसमें क्या, ये हमारे जो स्विच है ये खराब भी इतने जल्दी नहीं होते जितनी जल्दी हमारे ये छोटे वाले जो स्विच है ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो सिंपल तरीका है। तो अब मैं इसको अपने माइक्रोवेव ओवन में कनेक्ट करता हूँ और आपको चेक कराता हूँ कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको ये बताया था, इस स्विच का लगना बिल्कुल लाजमी है। अगर मैं स्विच रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने स्विच को रिमूव कर लिया, तो हमारी जो रिले है वो ऑफ हो गई है। अब उसके बाद हम लोग इसको टाइम को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग इस टाइम को ऑन नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको दबा रहा हूँ तो हमारा जो लाइन है वो ऑन नहीं हो रहा, हमारा जो माइक्रोटोन को सप्लाई मिलेगी तो ये ऑन नहीं होगी। ये किस सूरत में होगी, जब हम लोग इन दोनों स्विचेस को आपस में मिलाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको मिला दिया, तो यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये हमारा ऑन हो जाता है टाइमर। तो इसको मिलाना हमें बहुत ही जरूरी होता है।
इस टाइम को हम लोग मिलाएंगे तो ये मैं जैसे ही हटाता हूँ तो हमारा टाइम रुक जाता है। तो दोस्तों कुछ लोगों के ये भी सवाल होंगे, तो आपने भाई ये तो कर लिया है तो अब इस चीज को हम लोग रोकेंगे कैसे। तो हमारे जो डोर स्विच में इन दो वायर हैं, जब हम लोग डोर ओपन करेंगे तो उसी टाइम हमारा जो ये स्विच है ये ऑफ हो जाएगा और हमारा टाइम रुक जाएगा। जैसे ही मैं इसको वापसी यहाँ पे कनेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं दोबारा इसको स्टार्ट करूंगा तो ये हमारा टाइम दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। मैं जैसे ही इसको दोबारा स्विच माइक्रोवेव ओवन का जो डोर है उसको ओपन करूंगा तो हमारा जो टाइम है वो रुक जाएगा। सिंपल हमारे जो तीन स्विच हैं वो इस पर्पस पे काम करेंगे, पहला टाइम बढ़ाने के लिए, ये हमारा ऑन करने के लिए, और ये जो स्विच होगा ये हमारा ऑफ करने के लिए ऑलरेडी इसके अंदर कनेक्ट हुआ हुआ है। तो यहाँ पे मैंने दो बेल बुश का इस्तेमाल किया। अब मैं इसको अपने माइक्रोवेव ओवन में इसमें फिटिंग करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये वर्किंग कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्विचिंग है वो मैंने यहाँ पे रखी है, यहाँ पे ऑन की रखी है और यहाँ पे टाइम की रखी है। तो ये हमारा इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं एक दफ़ा आपको फिर इसकी स्विचिंग दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर लेंगे 220 सप्लाई अपने मेन पैनल पे। तो यहाँ पे हमारा सर्किट ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा टाइम चेंज होगा और यहाँ से हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही कम कीमत के अंदर आप अपने टच पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। आप घर पे खुद भी आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ अपने इस माइक्रोवेव ओवन को और इसको ऑपरेट करके चेक करते हैं कि किस तरीके से ये हमारा ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने जिस तरीके से आपने कनेक्शन इसके रिमूव किए हैं उसी तरीके से आपने इसके कनेक्शन वापसी कनेक्ट भी करना है। तो सब मैं आपको कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास तीन वायर हैं ये सबसे पहले सर्किट ऑपरेटिंग की वायर हैं। तो इसको हम लोग यहीं पे इसी तरीके से कनेक्ट कर लेंगे जो सर्किट को ऑपरेट करते हैं। ये हमारा मैग्नेट ऑन के कनेक्शन है जो हमारे रिले पे आते हैं, तो इनको मैं रिले पे लगा दूंगा। उसके बाद जो हमारे कनेक्शन है वो है ये हमारे जो स्विचिंग के हैं, जो डोर के हमारा जो डोर स्विच होता है उसके पर ये हमारे कनेक्ट होते हैं। इनको लगाना आपको बिल्कुल लाजमी है, अगर आप नहीं लगाते तो ये हमारा प्रोग्राम को आगे सेंड नहीं करेगा। तो इसी तरीके से जो सबसे नीचे हमारा स्विच है डोर स्विच के साथ कनेक्ट है, जब हम लोग डोर ओपन करेंगे तो स्विच ब्रेक हो जाएगा, जिससे हमारा जो मैग्नेटोन जहाँ पे चल रहा था जिस टाइम पे चल रहा था वहीं पे आके रुक जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग ये नीचे वाले पे भी कनेक्ट कर लेंगे दो पॉइंटों पे। तो यहाँ पे हमारे कनेक्शन हो गए कंप्लीट। अब इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं और चेक करते हैं कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लगा लेंगे अपने सीरीज वायर पे। तो यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं सबसे पहले सीरीज पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑन हो गया। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस स्विच से हम लोग टाइम को बढ़ाएंगे 30 सेकंड पे हम लोग लाएंगे और इसको हम लोग ऑन कर देंगे। तो आप सीरीज का बल्ब देख सकते हैं कि हमारा ऑन हो रहा है। तो सीरीज के ऊपर आप जब भी चेक करेंगे तो हमारा बल्ब ग्लो होगा और ये इतना ही ग्लो होगा, चाहे वो ठीक हो चाहे वो ख़राब हो। तो यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्ट चेक करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें कोई और प्रॉब्लम है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सीरीज का बटन को ऑफ कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं डायरेक्ट कनेक्ट। तो जैसे ही डायरेक्ट कनेक्ट किया तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 30 सेकंड पर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ऑन कर लेते हैं। तो आप अम्पेयर देख सकते हैं, उसमें आप प्रॉब्लम देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है, जिस तरीके का स्पार्क हो रहा है मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देख लिया कि हमारे पास जो सेकंड प्रॉब्लम है वो क्या आ रही है। तो उसके पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो आप कमेंट्स में बताना कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये। तो इसके पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ इस फॉल्ट के ऊपर कि किस तरीके से हम लोग इस फॉल्ट को क्लियर करते हैं और किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं क्या फॉल्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते थे कि ये कितने एम्पेयर ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं माइक्रोवेव ओवन के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियो अपलोड की कि इसमें क्या फॉल्ट आते हैं, किस तरीके से हम लोग फॉल्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि क्या फॉल्ट हो सकता है। जैसे कि आपने देखा कि हमने किस तरीके के यहाँ पे स्विच किया, तो अगर आपका पैनल इस तरीके से प्रॉब्लम कर रहा है तो आप उस तरह के दो स्विच लगा सकते हैं, जिससे एक आप ऑन करें और आप अपना एक टाइम को सिलेक्ट कर लें। तो इसके अलावा इसमें और हमारे पास कोई काम की चीज़ नहीं है। अगर कोई मेरे पास स्विच ऐसा आता है, अगर माइक्रोवेव ओवन ऐसा आता है जिसमें ऊपर हीटर भी दिया हुआ, तो हीटर को भी ऑन करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से आप कनेक्ट कर लें। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।